लोकसभा चुनाव के परिणाम के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस बीच लगातार लोकसभा प्रत्याशी अपनी जीत के दावों के साथ विपक्ष पर भी लगातार हमलावर हैं। इसी कड़ी में कोरबा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे ने एक बार फिर अपनी जीत को लेकर बड़ा दावा किया। दरअसल सरोज पांडे मंगलवार को गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही विधानसभा क्षेत्र के स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान सरोज ने सभी सीसीटीवी फुटेज भी देखे। स्ट्रांग रूम में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को देखकर वह काफी संतुष्ट नजर आईं। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अपनी जीत को लेकर बड़ा दावा किया बल्कि कांग्रेस की ओर से महिलाओं को 1,00,000 रुपए देने वाली घोषणा को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। पार होगा और 400 पार में कोरबा लोकसभा का नाम भी होगा। कांग्रेस 1,00,000 रुपए महिलाओं को देने के वादे को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही है। उसे लगता है कि उसका जो ये वादा है वो गेम चेंजिंग साबित होगा। मुझे कहीं नहीं दिखता। यहाँ के चुनाव के बाद में मैं देश के बाकी जगह क्षेत्रों में भी चुनाव प्रचार के लिए गई थी, मुझे कहीं पर भी 1,00,000 रुपए का कोई असर नहीं दिखता। छत्तीसगढ़ में भी नहीं दिखाई देता है। हम यहाँ पर 11 की 11 सीटें जीतेंगे और देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 400 पार का लक्ष्य रखा है हम उसमें विजयी होंगे और 400 पार होगा। अभी चुनाव संपन्न नहीं हुआ है और डीएमसी जो है वो इंडिया गठबंधन की मीटिंगों से बाहर होने लग गई है। अभी से किस तरह देखती है गठबंधन के इस सदस्यों की इस तरह से शुरुआती जो उनके लक्षण है क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि साथ रहने वाले नहीं है, किसी के डर से सब एकत्रित हुए, अब अपने अपने रास्ते जाने वाले हैं। गौरतलब है कि चुनावी परिणाम को लेकर केवल 6 दिन का समय बाकी रह गया है। भले ही बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों की ओर से 11 सीटों पर जीत के दावे किए जा रहे हों, लेकिन उनकी टेंशन भी इन दिनों बढ़ी हुई है। बहरहाल 4 जून को इस बात का फैसला हो जाएगा कि किसके दावे पूरे हुए और किसका सपना टूटा। ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़ तक।